हेलो स्टूडेंट, तो हम समझ लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि प्रकाश का अपवर्तन के नियम। ठीक है, जैसे कि आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे ऐसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो क्या है इनकी लॉज समझ लेते हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। क्या मीनिंग हो गया इसका? इंसिडेंट रे ये है, ठीक है, रिफ्रेक्टेड रे ये है और ये नॉर्मल है। ये सब क्या है? लाई कर रहे हैं एक ही प्लेन पर, यानी एक ही प्लेन पर ये टोटल प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, यही क्या है? फर्स्ट लॉ है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ क्या है? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये सब क्या है? एक ही प्लेन पर ये टोटल प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, यही बात रखी, यही फर्स्ट लॉ है। ठीक है, सेकंड लॉ क्या है? द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ कांस्टेंट। दिस रेशियो इज कॉल्ड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एंड द रेशियो इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या मीनिंग हो गया इसका? जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्रेक्टेड रे है इनके बीच का जो रेशियो है वो क्या है? कांस्टेंट है, यानी फिक्स है। जितना एंगल इंसिडेंट रे बना रही है उतना एंगल रिफ्रेक्टेड रे बना रही है, इनका एंगल एक तरह से इक्वल है या इनका रेशियो क्या है? कांस्टेंट है। यही बात स्नेल ने बताई थी और इनका ये जो रेशियो कांस्टेंट है इसे हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्रेक्टेड रे का रेशियो कांस्टेंट है इसे हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कहते हैं और ये क्या है? स्नेल और सेकेंड लॉ है। ठीक है, स्नेल का फर्स्ट लॉ ये था और सेकेंड लॉ ये था। वही बात कैसे लिखी है? मैथमेटिकली लिखी है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये स्नेल के फर्स्ट और सेकेंड लॉ है। ऐसे ही आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था। ठीक है, रिफ्लेक्शन प्रोसेस में भी इसी टाइप से ही बताया गया था, तो स्नेल ने ही उनके बारे में बताया था। ठीक है, तो स्नेल लॉ भी इन्हें कहते हैं। ओके,